जो ये तीन काले कानून केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पास किए, पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। आज विजय दिवस भारतीय सेनाओं के पराक्रम, बलिदान और अभूतपूर्व शौर्य पराक्रम की गाथा का दिवस। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम से, अपने साहस से वो सब करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस स्ट्राइक के विषय में ये कहा जा सकता है भूतों ने भविष्य दी। एक असंभव को संभव करके दिखाने का ये दिवस है। मैं अपने सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं उत्तराखंड वासी होने के नाते अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि विजय दिवस की इस गाथा में हमारे उत्तराखंड के वीर जवानों का भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अपना खून देकर उन्होंने भारत माता के गौरव का अभिनंदन करने का काम किया है। मैं इस अवसर पर देश के राजनीतिक तत्कालिक नेतृत्व को भी प्रणाम करना चाहूँगा। अमेरिका का सातवां भेड़ा जब बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लोगों की सांसें थमी हुई थी। चीन जब दबाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लोग चिंतित थे। मगर उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने सूझबूझ और अदम्य साहस के बलबूते पर अमेरिका के सातवें बेड़े का भी मुंह मोड़ दिया और देश की सेनाओं का को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि हमको एक अभूतपूर्व विजय हासिल हुई, भूतों ने भविष्य दी। मैं #विजयदिवस विजय दिवस के इस मौके पर अपनी सेना को, अपनी सेना के पराक्रम को सैल्यूट करता हूँ और हम सब अपने भारत के गौरव को संरक्षित रख सकें, इसकी शक्ति हमको दे, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।